Hey guys kissing up so hope you all are awesome and your family members too guys so guys in welcome back to my youtube channel and I'm myself iman shiva there guys so guys in today's video we are gonna talk about how to learn english in just while you are enjoying through social media इस्पेशली आज हम बात करेंगे गाइज़ इंस्टाग्राम के बारे में कैसे आप इंस्टाग्राम से जैसे आप इस्कॉल कर रहे हैं इंस्टाग्राम को तो उसके थ्रू आप कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं सो so गाइज़ आप देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया साइट पे लाइक फेसबुक इंस्टाग्राम या यूट्यूब काफ़ी सारे पेज या चैनल्स बने होते हैं जो अपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे होते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इंग्लिश लर्निंग या इंग्लिश टीचिंग की पेजेस बनाते हैं और उन पेजेस पे वो अपनी कुछ पोस्ट अपलोड करते हैं गाइस तो उन पोस्ट के थ्रू आप इंग्लिश सीख इंग्लिश बहुत ही इज़ीली सीख सकते हैं आई विल आई टेल यू हाउ सो गाइस आप किसी भी uh, सबसे पहले तो हम इंस्टाग्राम पे तो गाइस इंस्टाग्राम पे आप सबसे पहले अगर आप इंग्लिश फॉर एग्जांपल इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप अपने फेवरेट को फेवरेट पर्सनालिटी को फॉलो कीजिए और उनकी इंग्लिश स्पीकिंग किस तरीके से वो उनकी बॉडी लैंग्वेज रहती है प्रेनाउंशिएशन कैसी है एक्सेंट कैसा है उस चीज़ को फॉलो कीजिए और कॉपी कीजिए देन अप्लाई कीजिए प्रैक्टिस भी कीजिए जिससे कि आपकी जो इंग्लिश इंग्गलिश प्रैक्टिस होगी उसकी ठीक है आप फॉलो करेंगे तो ऑबियसली ऑबियसली गाइस उससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी तो सबसे पहले तो आप फॉलो कर लीजिए डजेंट मैटर आपके बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं या हॉलीवुड हैं लेकिन उनकी इंग्लिश की वीडियोज़ आपको देखनी पड़ेंगी तो आई मस्ट से आई मस्ट सजेस्ट यू कि आप हॉलीवुड पर्सनैलिटी को फॉलो करें क्योंकि जो इंडियन होते हैं वो मोस्टली वीडियो अपनी हिंदी में डालते हैं तो अगर हॉलीवुड अमेरिकन या ब्रिटिश जो भी एक्सेंट आपको अच्छा लगता है उनको आप फॉलो कीजिए साथ के साथ जो इंग्लिश लर्निंग पेजेस होते हैं आप उनको फॉलो कर लीजिए जो इंग्लिश सिखाते हैं आपको उन पेजेस को फॉलो कीजिए नहीं भी करते ना गाइस हमारी हर पोस्ट के नीचे एक ऑप्शन आता है सेव पोस्ट का जो कि आपके राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा बना होता है नीचे की तरफ आप हर किसी को पता है वो साइन कैसा होता है इट्स जस्ट लाइक कि एक ऐसे होगा फिर एक लाइन ऐसे होगी दूसरी साइड भी एक लाइन ऐसी होगी फिर बीच में एक ऐसा करके नीचे से बना होता है तो उसको आप सेव उस पर प्रेस करके आपको सेव कर सकते हैं और इसमें इंस्टाग्राम में आपको एक ऑप्शन देता है कि आप उस पर प्रेस करके रखिए ठीक है सेव पर देन प्लस का एक ऑप्शन आएगा तो कोई भी आप नाम से उस पर्टिकुलर पोस्ट को सेव कर सकते हैं जैसे इंग्लिश की पोस्ट है आपको सेव करनी तो प्लस कीजिए फर्स्ट पोस्ट पर प्लस कीजिए देन उस पर नाम आप किस नाम से फोल्डर बनाना चाहते हैं उसका ऑप्शन आएगा तो इंग्लिश स्पीकिंग या लर्निंग जो भी आप डालना चाहते हो तो डाल दीजिए देन सेव हो जाएगी तो आगे की जो भी पोस्ट होंगी आप प्रेस करके रखिए उस पर देन ऑप्शन आएगा तो आपको किस कैटेगरी में सेव करना इंग्लिश वाली कैटेगरी पर टच करिए देन सेव कीजिए तो इससे क्या होगा आपका एक कलेक्शन बन जाएगा तो जब भी आप सीखना चाहेंगे या रिवाइज करना चाहेंगे तो आप उस फोल्डर को ओपन करके सारी उससे रिलेटेड पोस्ट देख सकते हैं तो इस तरीके से आप इंग्लिश सीख सकते हैं इन्जॉयमेंट भी होगा और इंग्लिश भी सीखेंगे गाइस तो आई मस्ट सजेस्ट कि आप ये सब कीजिए इंस्टाग्राम पे आप इतने सारे पोस्ट जो है चलाते हैं तो स्क्रॉल भी करते हैं काफ़ी सारे दिख जाएंगे और सबसे बड़ी बात क्या होती है हम जिस चीज़ पे ज़्यादा लाइक या शेयर करते हैं ना लाइक करते हैं वो हमें ऑटोमेटिकली वो हमारे इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया साइट होती है हमारे इंस्टा इंटरेस्ट के बेसिस पे सॉरी हमारे इंटरेस्ट के बेसिस पर ही फिर हमें ज़्यादातर पोस्ट रिकमेंड करते हैं जिससे क्या होगा ना आपके पास जो पोस्ट आएंगी वो भी उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी तो गाइस आई मस्ट से कि आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिए और हाँ ये नहीं कि सेव करके रख दिया उसको पढ़िए समझिए सीखिए अप्लाई भी करने की कोशिश कीजिए प्रैक्टिस कीजिए तो गाइस कीजिए होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बाय बाय